हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट या सीटेट जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप 2018 में एचटेट के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लेकिन इनका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, तो ये जो एचटेट का एग्ज़ाम है इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, अगर रिपीट नहीं भी होता है तो भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आप इसके अकॉर्डिंग अभी जो नवंबर 2019 में एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 0, 5, 22, 57, 116, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 205। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक टैंक 2/5 भाग भरा है, यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाता है तो वह 6/7 भाग भर जाता है, तो टैंक की कुल क्षमता है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 35 लीटर। नेक्स्ट है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? तो ये होती है 2। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 548। नेक्स्ट है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। नेक्स्ट है, यदि भिन्नों 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 तथा 6/11 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? आप पहले इनको डेसिमल में चेंज करके और तब भी इनको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4/9। नेक्स्ट है, प्रथम सात अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट है, असंगत को ज्ञात कीजिए, तो इसमें असंगत है के पी एस यू। नेक्स्ट है, अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है? तो इसका आंसर होगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं तथा 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत है, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, 21%। अमूल्य किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु इसे 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका योग 71 रुपये है, तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? इसका करेक्ट आंसर है 200। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्या श्रेणी में कितने 6 ऐसे हैं कि प्रत्येक के ठीक पहले 1 या 5 आते हैं तथा ठीक बाद में 3 या 9 आते हों? तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो होगा 2। नेक्स्ट है, यदि बोर्न को ए पी क्यू ओ कूट दिया जाता है, लैक को के बी बी एल कूट दिया जाता है, तो ग्रीड को कूट दिया जाएगा, जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा एफ एस एच ई, थर्ड इसका सही आंसर होगा।
एक चिड़ियाघर में हिरण एवं मोर है। गणना करने पर उनके सिरों की संख्या 80 है तथा उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो वहां मोर की संख्या कितनी है? तो इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 60। नेक्स्ट है, संख्याओं का कौन सा समूह किए गए समूह के समान धर्मी है? तो ये जो समूह दिया 2, 14, 16, इसके समान है वो है 3, 21, 24। ये जो दिया गया उसमें देखो, 2 को जब 7 से गुना करेंगे 14, और उसमें पहले वाली संख्या जो कि 2 है उसको ऐड करेंगे तो आएगा 16। ऐसे ही 3, 21, 24 है, इसमें 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, और उसमें पहले वाली संख्या 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। नेक्स्ट है, इसमें कथन दिए हुए हैं, सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर संगीतज्ञ है। इसके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी के साथ साथ संगीतज्ञ भी है, सभी संगीतज्ञ डॉक्टर हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है इसका 4th। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, इसमें सिंबल चेंज करने हैं। यदि प्लस का तात्पर्य डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का माइनस, डिवीजन का तात्पर्य प्लस तथा माइनस का तात्पर्य मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये जो संख्याएं दी हुई है इसका क्या आंसर होगा? जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे सिंबल चेंज करके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 23। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? तो वो है मेंदरगढ़। नेक्स्ट है, KMP एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है मनजीत सिंह। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, वो है रेवाड़ी। नेक्स्ट है, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अम्बाला में वकालत की, उन्होंने बम्बई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही सत्य हैं। इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट है, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वो है मोहम्मद जफर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें IIIT ये है सोनीपत में, IIM ये है रोहतक में, NID ये है कुरुक्षेत्र में, और NIFT ये है पंचकुला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट है, झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो झज्जर जिले में हैं 2, और इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 93। ऐसे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है पिंजौर में। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके बारे में भी अच्छे से याद कर लेना, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही गेम्स में हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल लिए हैं उनको भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ये 60 से और 90 तक 30 क्वेश्चन थे जो कि रीजनिंग, हरियाणा जीके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप HTET, CTET, NET या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।